सो गाइस हम पहुंच जाएंगे। मैं मोटी होगी पहले से, फूले से लग रहे थे। हैं घर के अंदर और जय। सो गाइस यहाँ पे ये अलमीराज बना रखे हैं इन लोगों। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी काफी बढ़िया हूँ। सो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं आज बैग पैक करके कहाँ जा रही हूँ। सो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ 2 से 3 दिन की ट्रिप पे। तो मैं अभी अपना जो कि है बैग पैक कर रही हूँ। बैग मैंने ऑलरेडी खाली कर लिया था और ये कुछ मेरे कपड़े हैं। तो मैं अकेले नहीं जा रही हूँ बाय द वे, मी एंड माय हस्बैंड हम दोनों जा रहे हैं 2 से 3 दिन की ट्रिप पे। तो जो डेस्टिनेशन है वो आप लोगों को वहीं जाके पता चलेगी, तो ये अभी सस्पेंस है। सो फाइनली गाइज मेरी जो पैकिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और मैं मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने खाने पीने के लिए क्या रखा है रास्ते के लिए। सो गाइज कुछ ये फ्रूट्स वगैरह रखे हैं मैंने यहाँ पे, ये मैं लेके जाऊँगी अपने साथ। और कुछ चिप्स वगैरह भी मैंने रखे हुए हैं, वो मैंने गाड़ी में रखे हुए हैं ऑलरेडी। सो गाइज फाइनली हम निकल चुके हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सो मैं चंदा सिंह एंड स्वागत करती हूँ आपका मेरे न्यू व्लॉग में। सो गाइज हम निकल चुके हैं रास्ते में और मौसम जो कि है काफ़ी सुहाना है आज का, मैं आपको आगे के बदल दिखाती हूँ। सो गाइज मौसम कुछ इस प्रकार से है, अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश वगैरह भी आ सकती है। और अभी जो हम हैं कि हाईवे पे हैं और हम निकल चुके थे मॉर्निंग में, तो आप देख सकते हो मौसम कितना कैसा हो रखा है। और जो हमारे साथ गाड़ी चला रहे हैं वो हैं जय जी, स्माइल कर रही हैं आज, तो क्या बात है। सो गाइज हम पहुंच जाएंगे, कम से कम 2 से 3 घंटे की यहाँ से राइड है। तो हमें अभी लगेगा मात्र 3 घंटे मान के चलो अभी लगेगा, मतलब अभी यहाँ पे बज रहे हैं 7, तो मेरे हिसाब से हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे लगभग 10 बजे के बीच में। लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं, तो मैं आपको बीच बीच में आपको अपडेट देती रहूँगी यहाँ पे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, ऐसे ही प्यार देते रहिए। सो गाइज अभी हम हैं हाईवे पे और आप देख सकते हैं सड़कें कितनी खाली खाली हैं। और अभी हम जो पहुंच चुके हैं वो है वाटरफोर्ड, नियरली तो पहुंचने वाले हैं उधर ही। तो अभी देख सकते हो गाइज यहाँ का जो मौसम है कितना अच्छा हो रखा है, ऐसी संभावना है कि बारिश आ सकती है। सो लेट्स सी देखते हैं। इसकी बत्ती जल रही है आपने देखा? किसकी बत्ती? नहीं हाँ जल रही है, जल रही है। सो गाइज हम आ चुके हैं आधे रास्ते पे और यहाँ से जो ड्राइविंग है कम से कम 10 मिनट की है, 10 से 15 मिनट की ड्राइविंग है। बिल्कुल नियरली हम पहुंच चुके हैं। यहाँ का जो वेदर काफी अच्छा है गाइस, धूप नहीं है बस। मैं मोटी होगी पहले से, फूले से लग रहे थे। सो गाइस ये है यहाँ की मार्केट, छोटी सी मार्केट है, ज्यादा बड़ी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आज जो कि है क्राउड ज़्यादा भी नहीं है, बिकॉज आज है बैंक हॉलीडे यहाँ पे, तो आजकल मैक्सिमम शॉप्स वगैरह बंद रहती हैं, इधर क्लोज रहती हैं। तो अभी जो रोड है काफ़ी खाली खाली आपको दिख रही होंगी। सो गाइज फाइनली हम अपने होटल में, उसके बाद अब हम जाएंगे घर के अंदर और करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। हम आ चुके हैं घर के अंदर और जय जा रहे हैं एंट्री करने के लिए। एंड सूप
सो गाइज हम होटल में आ चुके हैं और एक तरह से आप बोल सकते हो ये बीएनबी है, मतलब एक घर टाइप का। तो गाइज अभी हम जो कि अपने होटल पे आ चुके हैं और मैं आपको यहाँ का विजिट करा देती हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ से कि जो कि है मेन एंट्री गेट है और सो गाइज यहाँ पे ये अलमीराज बना रखे हैं इन लोगों ने, यहाँ पे देख सकते हो ठीक ठाक है, मतलब नॉट बैड। ये यहाँ पे 3 ड्रॉज बना रखे हैं तो मैंने इसमें सामान भी रख दिया है सारा अभी। और ये है यहाँ पे मिरर, आप देख सकते हैं, एंड एक अलमीरा ये वाली है। तो यहाँ पे मैंने अभी सामान पूरा सेट कर दिया, अपना बैग वगैरह जैकेट वगैरह। और यहाँ पे बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, मौसम अच्छा लग रहा है और सन शाइनिंग तो अभी नहीं है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है यहाँ पे। मतलब यहाँ से आप सीधा बाहर का व्यू देख सकते हैं, तो गाइस ये काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉफ़ी बनाने के लिए पूरी फैसिलिटीज़ वगैरह है, कप्स रखे हुए हैं, एंड इधर ये मिल्क पाउडर रखा हुआ है, इधर ये गोल्ड ब्लेंड टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, और ये मतलब वाइट शुगर एंड ब्राउन शुगर नहीं है इसमें, वाइट शुगर है, एंड ये कॉफ़ी है गाइस, एंड ये वाटर है। सो ये कॉफ़ी की फैसिलिटीज़ है, आप यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह बना सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे 2 चेयर है, ये वाली आप देख सकते हो, और अब मैंने इस पर सामान रखा हुआ है। और गाइस यहाँ पे सैनिटाइज़र और ये लाइट वगैरह आप देख सकते हो। सो गाइस ये है यहाँ का बेड और सामने पे हीटिंग है, आप देख सकते हैं। और ये है यहाँ पे माइक्रोवेव रखा हुआ है और सैनिटाइजर, मतलब हर जगह आपको मिल जाएगा। और इधर से ये सामने वॉशरूम है, वॉशरूम में भी मतलब ठीक है, काफ़ी बड़ा है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे शीशा है, एंड ये है वॉशरूम, मतलब ठीक ठाक है, बड़ा ही है वॉशरूम भी, काफ़ी अच्छा है। और तो आप देख सकते हैं कमरा काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है। सो गाइज ये था हमारा होटल का रूम, और अभी हम जा रहे हैं किलारी नेशनल पार्क और जाएंगे वहाँ पे घूमने के लिए। सो अभी के लिए बाय बाय, एंड इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ यहीं पर ही। सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग आप नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर द न्यू लेटेस्ट वीडियो के लिए। सो मैं मिलती हूँ आपसे किलानी नेशनल पार्क पे। सो वीडियो में बने रहिए एंड एंड तक देखिए, इंजॉय कीजिए। सो अभी के लिए बाय बाय।